रूस के शहरों पर यूक्रेन के विध्वंसक हमले इस बीच जारी हैं। मॉस्को समेत रूस के 6 शहर धुआं धुआं हो गए। 2 दिन में रूस के 6 शहरों पर ड्रोन से लगातार यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया और मॉस्को में एसयू फैक्ट्री कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया गया है। वहीं बेलगोरोड वोल्ग्राद के कई इलाकों पर अटैक किया गया है। वोरोनिश रोस्तोव और क्रुक्स शहरों पर भी हमले किए गए हैं। और वहीं रूस के यारोस्लाव में आत्मघाती ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। अटैक से पहले आत्मघाती ड्रोन तबाह हो गया। बैटल ग्राउंड में रूस टैंक पर ड्रोन अटैक हुआ है। बैटल टैंक पर सवार रूसी सैनिकों पर हमला किया गया। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। दो दिन में यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों में कैसे तबाही मचाई है, सिलसिलेवार तरीके से आपको अब बताते हैं। आधी रात को यूक्रेन ने मॉस्को में 2 बड़े ब्लास्ट किए। हमले में एक एसयू फैक्ट्री और एक कम्युनिकेशन सेंटर जल गया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रूसी सेना के रेडियो स्टेशन और गैस पाइपलाइन को भी तबाह कर दिया। वोल्ग्राद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ऑयल फैक्ट्री और हथियार गोदाम को टारगेट किया। वोरोनिश में रूस की ऑयल रिफाइनरी और कमांड सेंटर पर हमला किया गया। हमले की वजह से दोनों टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इसके साथ साथ रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस के S-300 और गैस स्टेशन को तहस नहस कर दिया। क्रुक्स में यूक्रेनी हमले की वजह से 1 रडार सिस्टम और 6 इमारतें नष्ट हो गई। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। रूसी डिफेंस फोर्स ने दिया है हमलों का जवाब। बक M2 डिफेंस सिस्टम से कई हमले नाकाम किए गए हैं। डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के कई ड्रोन ध्वस्त हुए। यूक्रेन की कई मिसाइलें भी मार गिराई गई है। और इन हमलों के बाद बेलगोरोद में रूस का डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया गया है। स्ट्रेला 10 डिफेंस सिस्टम से जवाबी हमले दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन को इन हमलों में नष्ट कर दिया गया है। स्ट्रेला 10 से यूक्रेन के कई हमले नाकाम हो गए। और वहीं मॉस्को बेलगोरोड समेत 6 शहरों पर हमलों के बाद रूस का बारूदी जवाब। खेरसोन में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ। रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खार्किव में रूसी सेना का MLRS से अटैक देखने को मिला। यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रैड से भीषण हमला किया गया है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ये विध्वंसक हमले किए गए हैं। हमले में यूक्रेनी सेना का पूरा ठिकाना ध्वस्त हो गया। और अब बात करते हैं G7 में बढ़ते भारत के दबदबे की। बड़ी खबर है G7 समिट से भारत लौट रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया मैसेज। अपोलिया में G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही उपयोगी दिन रहा। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर प्रभावशाली समाधान तैयार करना है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दौरान पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर से मुलाकात हुई। इस समिट में पीएम मोदी की मौजूदगी में G7 के 7 देशों जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर ग्लोबल संकट पर चर्चा की। समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। भारत का संकल्प 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें मिलकर आने वाले समय को हरित युग बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से गर्मजोशी से मुलाकात की। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को गले लगाया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। पीएम ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी ने मेलोनी, सुनक, मैक्रो समेत 6 देश के प्रमुखों के साथ चर्चा की। रिपोर्ट देखिए।
G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने नमस्ते से अभिवादन किया तो जवाब में मेलोनी ने भी नमस्ते किया। मेलोनी से बातचीत में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और मैक्रों पूरी गर्मजोशी के साथ गले लगकर एक दूसरे से मिले। इसके साथ टेबल पर द्विपक्षीय चर्चा की। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को तीसरी बार जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ब्रिटेन में होने वाले चुनाव को लेकर ऋषि सुनक को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत की समीक्षा की। साथ ही भारत ब्रिटेन संबंधों को लेकर रोड मैप 2030 पर भी चर्चा की। G7 सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की जमकर तारीफ की है। G7 शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की द्विपक्षीय वार्ता काफी चर्चा में है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को बातचीत से रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की सलाह दी है। पिछले 2 सालों से रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। भारत हमेशा ही शांति का पक्ष धर रहा है। मोदी 2.0 से लेकर मोदी 3.0 तक प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा बातचीत से युद्ध का मसला हल करने का संदेश दिया है। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर G7 सम्मेलन में शामिल होने गए इटली के अपुलिया में पीएम मोदी ने एक बार फिर शांति मंत्र दिया। पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश जारी रखेगा। भारत शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव प्रयास करता रहेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। मोदी ने ये शांति संदेश उस जगह दिया है जहां सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे थे। पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि युद्ध से समस्या का हल नहीं निकलेगा, बातचीत से ही सब कुछ संभव है। जेलेंस्की हो या रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने हर मंच से युद्ध में शांति का संदेश दिया है। SCO समिट के दौरान भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। और केरल में होगी RSS की समन्वय बैठक और पलक्कड़ में 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के बीच में इस बैठक को रखा गया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में संगठन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली समन्वय बैठक। बीजेपी से मतभेद की खबरों के बीच RSS और उसके सहयोगी संगठनों की केरल में समन्वय बैठक होने वाली है। ये बैठक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक पलक्कड़ में होगी। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रही इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी और संघ के बीच 6-6 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार इस तरह की बैठक होती है। इस बीच CM योगी आदित्यनाथ आज RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। मोहन भागवत इस समय संघ शिक्षा वर्ग की बैठक के सिलसिले में गोरखपुर में है। इसी दौरान CM योगी की उनसे मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि CM योगी और मोहन भागवत के बीच अन्य मुद्दों के साथ साथ UP में इस बार BJP के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं RSS सूत्रों से खबर है कि उसने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। RSS ने कहा है कि ये उसका आधिकारिक स्टैंड नहीं है। RSS ने BJP से किसी तरह के मतभेद को भी खारिज किया है। सूत्रों के मुताबिक RSS ने ये भी कहा है कि मोहन भागवत के अहंकार पर दिए गए बयानों का लक्ष्य PM मोदी नहीं थे, सेवक से उनका मतलब स्वयं सेवक था, किसी और से नहीं। उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। जनता ने नरेंद्र मोदी पर तीसरी बार भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव में एंकर को BJP की हार की वजह बताने वाले इंद्रेश कुमार ने मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राम भक्त सत्ता में है और राम के विरोधी सत्ता से बाहर हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रतिदिन प्रति घंटा देश तेज गति से आगे जा रहा है। इस समय का यथार्थ सत्य ये है कि जिन्होंने राम का विरोध किया और कहा कि राम भक्त सत्ता पर आएंगे ही नहीं, वो सत्ता से बाहर हो गए, और जिन्होंने राम भक्ति की और अपना एक अच्छा समूह बनाया, आज वो सत्ता में है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय और देश की सरकार बन गई है।
इस चुनाव में अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार की सबसे ज्यादा चर्चा है। इस पर भी इंद्रेश कुमार ने जवाब दिया, ऐसा है कि वहाँ का बीजेपी के लोग, वहाँ के सब लोग अपने आप में सक्षम हैं, वो इसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके आगे बढ़ते जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली वाराणसी यात्रा है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम 18 जून को शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां से पीएम किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। शाम 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी का रात्रि में वाराणसी में ही विश्राम का कार्यक्रम है। इसके बाद अगले दिन यानी 19 जून को बिहार के दौरे पर जाएंगे, जहां सुबह 10 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी वाराणसी यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने विद्यापीठ स्टेशन के रोपवे का निरीक्षण भी किया। इस बीच सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और काशी कोतवाल के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। नीट विवाद पर सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई जारी है। टीवी 9 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधान ने छात्रों से धरना प्रदर्शन न करने की अपील की है और उन्होंने कहा कि कोर्ट और सरकार पर भरोसा रखें। बात हम नीट की कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार इसको देख रही है? देखिए, नीट परीक्षा इस बार 23,33,000 विद्यार्थियों के अंदर कंडक्ट किया गया। पिछले 5 मई को रिजल्ट, 4 जून को आई है। कुछ 6 सेंटर में कम समय मिलने की कुछ आपत्ति आई थी। एनटीए ने उनके सामने कुछ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ग्रेस मार्क की रखी। उस ग्रेस मार्क रखने की फार्मूला भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा था सामने, लेकिन उसमें से कुछ और विसंगति ध्यान में आई। कुछ बच्चों की नंबर हाईएस्ट मार्क की ओर बढ़ गया, उसको फिर पुनर्विचार किया गया। कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने हमको पूछा कि इसमें ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या हो। एनटीए ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया। कोर्ट ने जिसको स्वीकार किया है, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि हाँ, कुछ बच्चों को रीटेस्टिंग कर दो। उन 6 सेंटर की मूल समस्या उसमें समाधान हो गई है। एक दो जगह की कुछ दुर्घटना की बात आई है, वहाँ की स्थानीय एजेंसी उसमें से नज़र भी रखी है, कुछ कार्रवाई हो रही है। अगर उसमें एनटीए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूँ। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अल्पमत की सरकार है और कभी भी गिर सकती है। गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज़ ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर मोदी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है उन्होंने। लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को संतोषजनक मान रही कांग्रेस भविष्य की रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। अध्यक्ष और कुछ प्रभारी महासचिवों को बदलने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से नाराज आलाकमान, हिमाचल अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष दीपक बैज, बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह,
झारखंड अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उत्तराखंड अध्यक्ष करण सिंह महरा, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी, अपना चुनाव हारने वाले बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को उनके पद से हटाया जा सकता है। पूरी रिपोर्ट आ जाए, हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं अलग अलग राज्यों के, वो सब अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद उस पर चर्चा भी होगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों को बेहतर माना है, इसलिए यहां के प्रदेश अध्यक्ष अपने पदों पर फिलहाल कायम रहेंगे। वहीं दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया, उड़ीसा और तमिलनाडु के प्रभारी अजय कुमार से एक एक राज्य ले लिया जाएगा। इसके अलावा चुनावों के दौरान अरविंद लवनी के बीजेपी में जाने पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए देवेंद्र यादव अब इसी पद पर फोकस करेंगे। वहीं हरियाणा में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मंथन में जुटी हुई है। उसका मानना है कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक खिसकने की वजह से पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और इनमें आधी सीटें इस बार बीजेपी के हाथ से निकल गई। हार के कारणों पर मंथन के लिए पार्टी ने रोहतक प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी शामिल हुई। इन नेताओं ने हार के पीछे विपक्ष का संविधान बदलने की झूठी अफवाह और भीतरघात को कसूरवार माना है, जिसके चलते अनुसूचित जाति का वोट बैंक पार्टी से छिटक गया। मैं यहाँ बैठ करके अपने समाज के लोगों से बातचीत करी है और यहाँ उनसे जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था प्रदेश का, उसका अनुभव भी हमें लिया है और आगे हमें क्या करना है, विधानसभा चुनाव में कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस बात पर भी हमने खासकर ये देखने की बात है कि पूरे के पूरे 10 जो हमारी लोकसभा की जो हमारी सीटें रही उसके अंदर जो हमारे अनुसूचित वर्ग की जो 2 सीटें रही वहां पर क्या कमी रही कि हम जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो और अब बात महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों के बीच शुरू हुई खींचतान की। लोकसभा चुनाव में सीटों के नुकसान पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सफाई दी है, तो वहीं बीजेपी ने सहयोगियों के बीच मजबूत रिश्तों का हवाला देते हुए कहा है उसे बहुत ज्यादा नुकसान की बात नहीं मानी जा सकती। हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आगे। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। महायुति ने अच्छा काम किया है, हमारे सारे पार्टियों ने अच्छा काम किया, गहरा पार्टियों ने अच्छा काम किया है, ऐसा कोई आसमान नहीं फटा है जो महायुति डैमेज करेंगे, बीजेपी अलग लड़ेगी ये वगैरह जो नरेटिव चल रहे हैं, कोई नरेटिव ऐसा नहीं है, कोई ऐसा निर्णय नहीं है। महायुति और ताकत से खड़ी होगी, महायुति 11 पार्टी की है, 11 पार्टी मिलकर फिर एक बार जनता में जाएंगे और अजीत पवार भी जाएंगे, एकनाथ शिंदे भी जाएंगे, देवेंद्र जी और हम सब लोग जाएंगे। वही राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को अब तक 30% आरक्षण मिल रहा है। भजनलाल शर्मा ने इसमें 20% की बढ़ोतरी करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनावों के खत्म होने के बाद से ही भजनलाल शर्मा लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इससे पहले किसानों को सम्मान निधि के रूप में राज्य सरकार की तरफ से हर साल 2,000 रुपए दिए जाने का निर्णय भी किया है। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक के 29,272 पद खाली हैं, जिसकी सूची राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। अब जल्द ही अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जरिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। शिक्षा विभाग में खाली पदों की डीपीसी मार्च में शुरू की गई और 4 अप्रैल को राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों की सूची वेबसाइट पर जारी की गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल में हुई हिंसा पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बोस ने कहा कि अगर सरकार कर्तव्य नहीं निभाती है तो संविधान अपना काम करेगा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने हिंसा के शिकार पीड़ितों को राज्य भवन आने नहीं दिया, जिससे राज्यपाल नाराज हैं। उसके बाद सीवी आनंद बोस ने खुद पीड़ितों से मुलाकात की। During the panchayat election, saw it with my own eyes. I was in the field. During this election also, there have been many instances of violence, murder, intimidation. This cannot go on. Worst is that when the poor people came to meet the governor with permission to air their grievances, they were prevented. But this, you know, truth like murder will one day be out. I would like to be a people's governor. Therefore, I went to see them. I spent time with them. What I heard was the deep pangs of innocent people who were at the gunpoint of the goons. This does not bring credit to any civilized government. Government has to do its duty. If government fails to do its duty, the constitution will take its own course. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS जलाश का दौरा किया और पूर्वी नौसैनिक कमान की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलने देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसैनिक कमान की तैयारी की समीक्षा की और INS जलाश्व का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने INS जलाश्व पर पूरा एक दिन बिताने के दौरान कमांड के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों के मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनों के बारे में जानकारी ली और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि हम हिंद महासागर क्षेत्र को मत्स्य न्याय का क्षेत्र नहीं बनने देंगे, जहां बड़े देश छोटों पर दादागिरी करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हमारी नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित कर रही है तथा शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना लगातार शक्तिशाली बन रही है। बढ़ते औद्योगिक बुनियादी ढांचे, हमारे शिपयार्डों के विस्तार, युद्ध पोतों की बढ़ती संख्या से हमारी नौसेना शक्तिशाली बन गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो अपने दूसरे कार्यकाल में भी इस प्रगति को रफ्तार देंगे, फिर चाहे हिमालय हो या हिंद महासागर। देश की प्राथमिकता निरंतर अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करना है। जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए एक के बाद एक कई आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया था, अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। 16 जून को होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और CRPF के शीर्ष अधिकारी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने रियासी में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमले सहित कई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप गंडो में तलाशी अभियान चला रहा है, जहां आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में एक पुलिस जवान घायल हुआ था। पुलिस और भारतीय सेना आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। पहाड़ इलाकों के इस घने जंगल में सुरक्षा कर्मी आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में कटरा में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे। जम्मू कश्मीर में 4 हमले के बाद मां वैष्णो देवी और कटरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधान किया जा रहा है। चेकिंग बढ़ा दी गई है। लोगों से कहा गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को देखते ही पुलिस को तुरंत जानकारी दे। अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस मालिकों के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि जो भी कमरा लेने आता है उसका दस्तावेज अपने पास रखें। पुलिस ने CCTV दुरुस्त रखने की सलाह दी है। खुद जिलाधिकारी जगह जगह जाकर लोगों को समझा रहे हैं। ने अपना बंदोबस्त और स्ट्रांग किया है, काम कर रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन DM के नाते मेरे जो काम है, मैं सारी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रीमलाइन करने में हूँ। मेरी कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा डीकंजेस्ट करेंगे शहर को, उतना अच्छा, उतने आराम से यात्रा चलेगी, यात्रियों की सुविधा होगी और किसी भी तरीके का कोई भी अगर परसेप्शन है तो वो भी दूर होती है।
उन सारी चीजों को लेकर ये आज अचानक रात को हॉस्पिटल, बस स्टैंड, मार्केट को देखने की कोशिश की। और एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में असेंबली की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इससे छात्रों में एकता और अनुशासन की भावना पैदा होगी। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में अब जनगण मन की गूंज सुनाई देगी। स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। अब घाटी के स्कूलों में सुबह की सभा राष्ट्रगान से होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र के जरिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया है। इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है। आज जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, इस बात पर हर नेशनलिस्ट को, हर पीस लविंग पर्सनैलिटी को, हर उस इंसान को जिसको वतन से मोहब्बत है, इस पे खुश होना चाहिए। और इस फैसले से जो है जम्मू कश्मीर में नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन मिलेगी, ये एक अच्छा स्टेप है। कुछ लोगों ने कहा है कि किसी से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, वो ये कहता है कि किसी से भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती है नेशनल एंथम बोलने के लिए। तो इसके लिए तो ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं चाहिए थी, क्योंकि दिल से कोई पढ़े अच्छी बात है, और अगर किसी कोई नहीं पढ़ना चाहिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह हक देता है हमें कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। और मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले 9417 बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिला कराने की मांग की गई है। NCPCR ने कहा है कि प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। मध्य प्रदेश के मदरसों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू बच्चे भी तालीम लेते हैं। मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। NCPCR ने खुलासा किया है कि मदरसों की हालत काफी खराब है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार से मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को तुरंत सामान्य स्कूलों में पढ़ाने की मांग की है। उनके पास पंजीकृत है और 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। इन मदरसों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में एक बड़ी संख्या में बच्चों को वहां रखना एक अपराध है, और हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। और ये देखिए, अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, G7 में शामिल होने के बाद अब स्वदेश लौट चुके हैं, भारत लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, कई महत्वपूर्ण मुलाकातें इटली में हुई हैं 7 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब भारत वापस लौट गए हैं पीएम मोदी। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेश दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और पीएम मोदी इटली से अब दिल्ली पहुंच गए हैं। इटली में G7 में आमंत्रित था भारत, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे हिस्सा लेने के लिए 7 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। उनकी कई महत्वपूर्ण मुलाकात और बैठकें हुई हैं। G7 समिट में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट गए हैं पीएम मोदी। इटली में कई रोचक तस्वीरें भी देखने को मिली, जब G7 में शामिल 7 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम ने मुलाकात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई, वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई भी दी, और इस दौरान इटली की पीएम मेलोनी से भी उनकी मुलाकात रही है, सार्थक बैठक रही है। और अब G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली लौट गए हैं पीएम मोदी। तस्वीरें आप देख सकते हैं।